ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। मॉडर्न हेल्थ सेंटर प्रोवाइड्स हेल्थ एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन हु आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस प्लान। द हेल्थ सेंटर रिसीव्ड अ पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ईच टाइम एनी पेशेंट्स अटेंड द सेंटर फॉर कंसल्टेशन एज अंडर। देखिए, कंसल्टेशन लिखी है, अगर कंसल्टेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको 30 रुपीज देती है। अगर माइनर ट्रीटमेंट है तो 125 रुपीज देती है, और अगर मेजर ट्रीटमेंट है तो 250 रुपीज देती है। इन एडिशन द एडल्ट पेशेंट विल हैव टू मेक अ को पेमेंट विच इज इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। However, children and senior citizen are not required to make the any such co-payment. यानी कि अगर कोई adult person आता है treatment कराने के लिए तो उतना पैसा उसे देना पड़ेगा जितना insurance company देती है, लेकिन children और senior citizen को कोई payment नहीं देना है। The health center will remain open for 6 days in a week for 52 weeks in a year. Each physician treated 20 patients per day, although the maximum number of patients that could have been treated by a physician on any working day is 24 patients. Maximum वो 24 patients attend कर सकता है, लेकिन वो normally 20 patients attend करता है. The health center received a fixed income, underline करो fixed income पे, of rupees 20,000 per month for a promotion of health product from the manufacturers. The annual expenditure of health center is estimated as under. ये खर्चों की डिटेल दे रखी है सारे। अब देखें, the non-financial information is as under. Staff, number of physician हमारे 8 हैं, assistant 8 हैं, administrative staff 2 हैं। पेशेंट मिक्स एडल्ट 50%, चिल्ड्रन 40%, सीनियर सिटीजन 10%। पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट में कंसल्टेंट जो नो ट्रीटमेंट वाले हैं वो 60%, माइनर ट्रीटमेंट के 30%, मेजर ट्रीटमेंट के 10%। कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ सिटी हेल्थ सेंटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए पूरा कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में देखें हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे मैं कितने होंगे। ठीक है, कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे और उन वर्किंग नोट से आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम जो आरटीपी में मई 2013 में आई थी, सीए फाइनल में। ठीक है, पहले हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने होंगे। जिन्होंने ये ट्रीटमेंट अटेंड किया, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ फिजिशियन कितने हैं, 8। नंबर ऑफ पेशेंट पर डे जो फिजिशियन देखता है वो 20 है। फिजिशियन जो अटेंड करता है वो 20 है। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट। तीसरा है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वो है हमारे पास 6। और नंबर ऑफ
वीक इन अ ईयर वो है हमारे पास 52। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये वीकली है और यस द हेल्थ सेंटर विल रिमेन ओपन फॉर 6 डे इन अ वीक, ये लिखा है क्वेश्चन में। आप सेकंड पैरा में देखेंगे, ये लिखा है सेकंड पैरा द हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो इन्होंने ट्रांजेक्शन हमें इस तरीके से बताया, अदरवाइज हम सीधा 365 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड कितने होंगे, 8 × 20 × 6 × 52 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आ जाएंगे हमारे पेशेंट्स 49920 पेशेंट्स। अब वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू बनाएंगे हम पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स का, पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट का देखेंगे। तो एक तो है नो ट्रीटमेंट, वो कितने हैं 60%। एक है माइनर ट्रीटमेंट, माइनर ट्रीटमेंट वाले हमारे 30%। और एक है मेजर ट्रीटमेंट, वो है 10%। दैट इज 60% ऑफ 49920, 30% ऑफ 49920 एंड 10% ऑफ 49920, ठीक है। तो इसकी जरा कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा 29952, 14976, 49920। ये हमारा आ गया। अब है वर्किंग नोट थ्री बनेगा हमारे पेशेंट मिक्स का। पेशेंट मिक्स में देखें, पेशेंट मिक्स में ये हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए जो ट्रीटमेंट वाले हैं। अब उसमें से एडल्ट कितने होंगे, एडल्ट होंगे हमारे 60%। ठीक है, तो करते हैं एडल्ट है हमारे 50%, चिल्ड्रन है हमारे 40%, और सीनियर सिटीजन है हमारे 10%। तो दैट इज वैसे करेंगे हम 49920 का 50%, ये आ जाएगा हमारा 24960। 49920 का 40%, दैट इज 19968। 49920 का 10%, दैट इज 4992। ये टोटल हमारा हो जाएगा 49920। ठीक है सर, चलिए अब वर्किंग नोट फोर बनाते हैं हम लोग, पेमेंट फ्रॉम
इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या देगी? नो ट्रीटमेंट वाले नंबर्स कितने थे? 299,520। वर्किंग नोट 3 से देख लग सकते हैं। माइनर ट्रीटमेंट वाले हैं 14,976 और मेजर ट्रीटमेंट वाले हैं 4,992। ठीक है, कितने पैसे हैं पर पेशेंट? 30 रुपीज, इसमें 125 रुपीज और इसमें हमको 250 रुपीज। तो टोटल कर लें, टोटल करेंगे हम तो ये जो अमाउंट आएगी, देखें 30 रुपीज का जो टोटल आएगा वो आएगा 8,98,560, 1,872,000 एंड 1,248,000। टोटल आएगा इसका 4,018,560। ठीक है ना, ये हमें पता चल गया जो पैसा हमें इंश्योरेंस वाले देंगे। अब वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5 वो बनेगा हमारा को पेमेंट फ्रॉम एडल्ट पेशेंट्स, एडल्ट पेशेंट से को पेमेंट कितना आएगा? इसका शॉर्टकट तो ये है, सिंस एडल्ट आर 50% ऑफ टोटल पेशेंट, लिखा है ना क्वेश्चन में एडल्ट मिक्स, सो को पेमेंट क्या होगी? जो भी टोटल इंश्योरेंस वाला देगा उसका 50% हमारा को पेमेंट हो जाएगा। यानी कि 20,09,280। और ये और जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपने एक ही करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम देखेंगे एडल्ट मिक्स क्या होगा, नो ट्रीटमेंट के लिए नो ट्रीटमेंट में टोटल थे हमारे 29,052, इसके 50% हमारे एडल्ट होंगे। माइनर ट्रीटमेंट में 14,976 का 50% और मेजर ट्रीटमेंट में 4,992 का 50%। अच्छा, ये हमारे एडल्ट हो गए। पर पेशेंट कितना देना है एडल्ट को? बिल्कुल इक्वलेंट अमाउंट जितना वो दे के आएंगे। तो जो टोटल को पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी?
449280, 9,36,000, 6,24,000, 20,09,280। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम ही रहेगी, वर्किंग करने का तरीका है, ठीक है। चलिए, अब ऑलमोस्ट हमारे पास सारे वर्किंग नोट हमने बना लिए हैं। अब देखें हमसे पूछा क्या है, एक तो पूछा है नेट इनकम किसकी, सिटी सेंटर की। तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम। ये हमारा पहला आंसर है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ सिटी हेल्थ सेंटर। सिटी हेल्थ सेंटर की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 40,18,560, इनकम फ्रॉम को पेमेंट जो एडल्ट से आ रही है 20,09,280। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 60,27,840, ठीक है। फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स्ड इनकम आ रही है हमारे पास प्रमोशन के लिए, 20,000 रुपये प्रमोशन के लिए आ रहे हैं पर मंथ, तो 2,40,000। ये फिक्स्ड वर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, ये फिक्स्ड इनकम है, ये वेरिएबल नहीं है, मतलब सेल से कोई लिंक्ड नहीं है इसका। तो यहां तक का जब हम टोटल करेंगे तो देखें कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 62,67,840। ये हमारी हो गई टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में पहले हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं 11,16,000। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में देखिए कौन कौन आएंगे, एक तो आएगा फिजिशियन की सैलरी, कितनी होगी, 2,25,000 × 8, 8 फिजिशियन है ना। फिर आती है असिस्टेंट की सैलरी, असिस्टेंट की सैलरी है 75,000, 8 असिस्टेंट है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनकी सैलरी 45,000 रुपए के 2 स्टाफ हैं। फिर है एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, एस्टेब्लिशमेंट में है हमारे 5,00,000 रुपए फिक्स होने हैं, इनका टोटल करें 29,90,000, ठीक है, 29,90,000। तो
टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है आपका, इनको ऐड करें 41,06,000 और टोटल इनकम थी आपकी 62,67,000। तो नेट इनकम क्या हुई, ये बी मान लीजिए और ये मान लीजिए ए, तो ये नेट इनकम कर देंगे हम ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना होगा, 21,61,840, ठीक है ना। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट आ गई। आप देखें क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, दूसरा पार्ट देखेंगे। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पॉइंट है, जरा ध्यान रखिए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। इन्होंने बोला है कि ब्रेक इवन के लिए मुझे कितनी कैपेसिटी चाहिए मैक्सिमम, तो ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे पहले तो कुछ वर्किंग नोट्स। एक तो हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट मेरे पास कितना है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल इनकम, मैंने एक वर्ड यूज किया वेरिएबल, इसमें हम फिक्स्ड इनकम नहीं लेंगे, ऐसी इनकम लेंगे जो इनकम हमको ऑपरेशन से मिल रही है। और टोटल वेरिएबल एक्सपेंडिचर ये दिए हैं क्वेश्चन में, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, करेंगे तो ये 98.39 आ जाएगा, सही है। चलिए अब वर्किंग नोट टू बनाएंगे हम, नेट फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरी, उनतीस लाख नब्बे हजार। इसमें से टोटल फिक्स्ड रेवेन्यू कितना है, 2,40,000। आपको ब्रेक इवन करने के लिए जो पैसा रिकवर करना है, क्योंकि 2,40,000 तो आपको मिल ही जाएगा, तो जो पैसा आपको रिकवर करना है नेट फिक्स कॉस्ट टू रिकवर, वो कितनी आई, वो आई मेरी 27,50,000, ठीक है। सो अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 27,50,000 अपॉन 98.39, ये आएंगे 27,950 पेसेंट। क्वेश्चन यहां नहीं हुआ है, उन्होंने बोला है परसेंटेज फ्रॉम टोटल या मैक्सिमम कैपेसिटी। नाउ मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है,
49,929 वो मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है, देखिए हमारा जो वहां पर जो कैलकुलेशन हमने की थी उसमें हमने 20 पेशेंट लिए थे, जबकि हमको बताया गया है कि जो जो फिजिशियन है वो 24 पेशेंट देख सकता है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 24 पेशेंट से निकलेगी ना कि 20 पेशेंट से। ये पॉइंट हमारा यहां पर चेंज आ गया, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी वो आएगी 59,906 पेशेंट, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट 27,950 तो ये आएगी हमारी, एक सेकेंड, 46.67% और हम लोग राउंड ऑफ में लिख सकते हैं 47%, ठीक है। हमने इसमें क्या एजम्पशन लिए, एजम्पशन हमने ये लिए पेशेंट मिक्स एंड रेवेन्यू मिक्स वुड बी सेम इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि तभी तो हमारा ये इस ईयर का जो एजम्पशन है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी करेंगी। तो मैंने बताया था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट की तरफ से, पहले भी आ चुका है एग्जाम में, एक बार आप इसे दोबारा रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।